हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। और आज डेट है मंडे May 10, 2021। और आज हमारी फर्स्ट पेज पे पहली न्यूज है, एक बच्चों बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था जो कि अभी तक इससे बड़ा डिजास्टर शायद ही COVID-19 से पहले शायद ही कोई रहा हो, जो कि इस घटना को कहते हैं चेर्नोबिल डिजास्टर 35 ईयर्स ऑन, यानी उस आपदा को आए हुए 35 साल हो चुके हैं और ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर था। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहले तो हम इनकी हेडिंग्स देख लेते हैं जूम करने से पहले। द चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर इज कंसीडर अ वॉटरशेड मोमेंट इन अ हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर पावर। 35 ईयर ऑन द घोस्ट टाउन ऑफ प्रियाप्त स्टिल बियर्स विटनेस टू हॉरिबल इवेंट एंड इट्स आफ्टर मैथ। लेट्स टेक अ लुक वॉट अ लीड ऑफ डिजास्टर एंड हाउ इट वॉज हैंडल्ड। तो ये चेर्नोबिल की घटना जो कि अभी तक की सबसे बड़ी घटना है, और ये जिस जगह पे था बच्चों, ये रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट था एक, और यहां से इनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर में से कुछ एक शायद 2-3 यूनिट में विस्फोट हो गया था, और जिससे जो हमारा वेस्ट मटेरियल, न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल होता है, ये पूरी हवा में, पानी में, हर जगह मतलब बहुत तेजी से फैला था और इससे हजारों लोगों की जान चली गई थी। और ये जिस जगह पे प्लांट बना था वो आज भी घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है, और ये जगह अभी भी पूरी तरीके से वीरान पड़ी हुई है, यानी वो कॉलोनी, वो घर, वो सब कुछ वैसे के वैसा ही बंद पड़ा है। और इस पे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी बनी है हॉलीवुड में, बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसे आप पूरा देख सकते हैं कि उसे घोस्ट टाउन क्यों कहते हैं। बहुत सारे पार्क हैं, बहुत मतलब लोग ऐसे जो जहां था वो वैसे ही घर छोड़ के भागा, जो बच गया वो बच गया, वरना ज्यादातर लोग इसमें मर ही गए। तो चलिए हम इसको पूरी डिटेल में देखते हैं, और इस घटना को 35 साल हो चुके हैं इसलिए ये खबर आज यहां पे छपी हुई है। तो यूक्रेन, अच्छा ये रिएक्टर था चेर्नोबिल जो रिएक्टर है ये यूक्रेन में था, और यूक्रेन जो यूरोप का हिस्सा है वो जब ये घटना घटित हुई यानी 1986 में, उस समय यूक्रेन जो है रूस के पास यानी सोवियत यूनियन के पास हुआ करता था। ये देखिए मैंने मैप में खुल के आपको दिखा देती हूँ कि यूक्रेन की लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में। ये ब्लैक सी के नॉर्थ में है और रशिया से बाउंड्री शेयर करता है, बेलारूस है, पोलैंड है, और इस चेर्नोबिल रिएक्टर का आसपास के पूरे एरिया में असर हुआ था। चलिए वापस टॉपिक पे चलते हैं। यूक्रेन ने हाल ही में चेर्नोबिल आपदा की 35वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसे दुनिया की सबसे खराब परमाणु आपदाओं में से एक माना जाता है। आपदा जो पूर्व में USSR, जिसे सोवियत यूनियन भी कहते हैं, यहाँ पे चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन के चौथे रिएक्टर में एक विस्फोट का परिणाम था, जिसके कारण पड़ोसी देश बेलारूस, रूस में बहुत ज्यादा रेडिएशन फैला था और हजारों लोग मर गए थे। हालांकि यहाँ पे पीड़ितों की सटीक संख्या अभी तक विवाद का विषय बनी हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बड़ा क्षेत्र एक भूतिया निर्जन क्षेत्र बन गया था, जिसे अभी भी घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। लेट्स रिविजिट द डिजास्टर एंड इम्पैक्ट इन दिस एक्सप्लेनर। और इसके प्रभाव को हम देखते हैं, और वो दिन मतलब रात का समय था और 25 अप्रैल 1986 का साल था। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूक्रेन में जो कीव एक शहर है इसके उत्तर में स्थित था, और 1970 के दशक में पिपरयाट नदी के तट पर निर्मित था। ये एक नदी के बैंक पे था, यानी बैंक का मतलब नदी के तट पे था। तो इससे क्या हुआ कि पूरे जो नदी थी ना वहां पे भी न्यूक्लियर रेडिएशन पूरा फैल गया, तो वो उस पानी को जिसने भी छुआ, जिसने भी पिया, मतलब हजारों संख्या में इंसान, जानवर, सब कुछ खत्म होने लग गए थे धीमे धीमे। और उस आपदा का परिणाम कई सालों तक रहा, जैसा आपने सुना होगा ना कि
यूएसए ने जो नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट किया था उससे अभी भी वहां पे रेडिएशन से बच्चे अनडेवलप्ड पैदा होते हैं, तो ऐसा ही कुछ परिणाम यहाँ पे भी निकला था। और 25 अप्रैल की जो रात थी 1986 की, चेर्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में एक चालक दल ने एक प्रयोग की तैयारी शुरू करी थी और स्वचालित शटडाउन तंत्र को मतलब उसको शटडाउन करने में कई गलतियां हुई जिसके कारण जो परमाणु बच्चों यहाँ पे एक रिएक्टर में न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग कराई जाती है, ठीक है, उस बॉम्बार्डिंग से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कंट्रोल करना होता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए कैडमियम रॉड का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा ना कि हिंदी में अगर हम बोलें उसे टिपिकली परमाणु विस्फोट की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम रॉड का प्रयोग करते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही उनके बाहर उनकी स्थिति से मतलब उनके कंट्रोल से वो बॉम्बार्डिंग की एनर्जी कंट्रोल से उनके बाहर हो गई और जिसकी वजह से वहां पे विस्फोट होने लगे। और इसका कारण ये था कि उन्होंने उसको कंट्रोल ठीक से नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई थी कर्मचारियों द्वारा, इस वजह से वो विस्फोट हुआ था। और जब विस्फोट हुआ, आग हुई, तो जिस इमारत में विस्फोट हुआ था वो तो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई और ग्रेफाइट रिएक्टर कोर से बड़ी मात्रा में जितना रेडियोधर्मी पदार्थ था वो वातावरण में फैल गया और जल्द ही यूक्रेन, बेलारूस, रूस, यूरोप के कई हिस्सों में फैल गया और आपदा के तत्काल बाद ज्यादातर विकिरण प्रकृति बीमारी से श्रमिक फायरमैन की मृत्यु हो गई और बाद में हजारों लोग कैंसर और रेडिएशन जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने लग गए। और ये साल दो साल के लिए नहीं होती हैं ये बीमारियां 50-100 सालों के लिए हमेशा मतलब हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं। अगर आप सोचेंगे कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं गिर जाए और 2-4 साल में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो रेडिएशन इतना पावरफुल होता है कि वो वहां की अर्थ में, वाटर में, अंडरग्राउंड मतलब इस तरह से समा जाता है कि 100-150 साल तक हम उस रेडिएशन के प्रभाव को नहीं खत्म कर सकते और हम उससे इफेक्ट होते रहेंगे। जो भी वहां जन्म लेगा वो भी इफेक्टेड ही पैदा होगा, उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं होंगे। ये सारी चीजों का सामना आसपास के यूरोपियन देशों ने किया। और अब है यहाँ सिक्योरिटी एंगल। तो सोवियत अधिकारियों ने जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी को रोक कर तबाही मचा दी। स्वीडन में 18 अप्रैल को पढ़े हुए विकिरण का पता चलने के बाद जाके दुनिया को ये पता चला कि कोई आपदा आई है, क्योंकि उस समय तो इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब नहीं होता था। होता भी था तो सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट थे जिन्हें प्रोवाइड कराया गया था इंटरनेट वगैरह, मतलब पर पर्सन के पास नहीं होता था, सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए यूज होता था। तो ऐसे में 2-4 दिन बाद पता लगा कि अरे ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है और आसपास के क्षेत्र से 1,00,000 से अधिक लोगों को निकाला गया और स्टेशन के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र स्थापित किया गया कि वहां पे किसी को भी जाना मना है। वो क्षेत्र करीब 30 किलोमीटर की रेंज में बनाया गया, मतलब रेडियस में बनाया गया, और जिसे विस्फोट के बाद खाली कर दिया गया था। और यह क्षेत्र हजारों साल से मनुष्यों के लिए अभी भी असुरक्षित ही माना जाता है और ये 30 किलोमीटर की रेडियस का क्षेत्र आज भी घोस्ट टाउन के नाम से फेमस है। और इस पे बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है। अगर आप मेरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल के बाद कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट्री सर्च करिएगा, एक तो चेर्नोबिल के नाम से ही डॉक्यूमेंट्री बनी है, बहुत ही रियलिस्टिक लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ आप सच में रियल में वहां पहुंच गए हैं। और एक्सक्लूजन जोन, इसे एक एक्सक्लूजन जोन में गवर्नमेंट ने बदल दिया जहां पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। टूरिस्ट या साइंटिस्ट ही केवल जा सकते थे, वो भी सिर्फ ऑर्डर लेके गवर्नमेंट के, क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव रिएक्टर कोर से बहुत ही नजदीक था और यहाँ पे रेडिएशन से इफेक्ट हद से ज्यादा था। और यहाँ पे एक छोटी सी क्विज दी है। और इस न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद एक जापान में आपदा आई थी, जो जापान में सुनामी आई थी, तो
सुनामी आने के बाद जापान के कई न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि कोस्टल एरियाज में थे वो मतलब पूरी तरीके से टूट फूट गए थे, पूरा पूरे खत्म होने के कगार पे आ गए थे। उस डिजास्टर को क्या कहते हैं, या फिर उसने जापान ने खुद को कैसे रिकवर किया, अपनी कंट्री को किस तरह से रेडिएशन से बचाया, तो ये सारी चीजें आप सर्च करके देखिएगा और ये क्विज टाइम थोड़ा सॉल्व करिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है द वर्स्ट डिजास्टर, ये अभी तक का सबसे खतरनाक डिजास्टर था। तो इसके बारे में हम ज्यादातर सारी बातें कर चुके हैं, बाकी मैंने इसे जूम कर दिया है, आप और डिटेल में इसे पढ़िए। एनिमल्स रिटर्न, तो एनिमल्स तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं बेचारे, पर इंसान कोई भी इस एरिया में अब कभी नहीं लौटा। चलते हैं हम अपने अगली न्यूज पे। जीके में आज हमारा अगला कॉलम है हाइड एंड सीक। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कैमफ्लेज डेट एनिमल्स बर्ड एंड इंसेक्ट यूज टू रिमेन अननोटिसेबल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कभी कभी एनिमल बर्ड्स इस तरह के कलर के होते हैं या वो इस तरह से छुपे होते हैं कि हमें उन्हें नोटिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज का ये टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, हाइड एंड सीक से। तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी की बात हो रही है कि किस तरह से जो क्रिएचर्स हैं वो अपने आप को एनवायरमेंट के साथ इस तरह से मिक्स कर लेते हैं कि आपको उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस टॉपिक में इतना कुछ खास समझाने वाला है नहीं, आप इसको खुद से मतलब रीच कर लीजिएगा। बाकी मैंने वोकैबुलरी की वीडियोस दे देनी है अभी थोड़ी देर में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपको वीडियोस कैसा लगता है, अच्छा बुरा कुछ भी, बुरा भी लगता है तो प्लीज बोलिए, वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर कोई चीज बुरी है तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगी। और आप प्लीज मेरे ब्लॉग पे जाइए, जो कि ब्लॉग का एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online, और मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए कि मैं भी अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकूं, ग्रो कर सकूं आप सबके लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और शेयर उन लोगों से जरूर करिए जिनके पास थोड़ा सा पढ़ने के कम साधन है या वो ऐसी चीजों तक नहीं पहुंच सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अब हम आ गए अपने अगले टॉपिक पे जो कि है वर्ल्ड टूर। देन दिस वीक लेट्स फोकस ऑन प्रागवे, हियर आर सम फैक्ट। तो ये जो प्रागवे है ये दक्षिण अमेरिका में लोकेटेड है। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये हमारा साउथ अमेरिका का मैप है, ये देखिए, ठीक है, साउथ अमेरिका, और हमारा प्रागवे यहाँ पे लोकेटेड है। और मैं मैप आपको इसलिए दिखा देती हूँ कि हमें दिमाग में जब इमेज होती है तो उसे देख पाना बड़ा ही आसान होता है कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं, हम तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। और इसके जो चारों तरफ कंट्री हैं ये किनसे घिरा हुआ है, ब्राजील है सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का, फिर बोलीविया है, फिर अर्जेंटीना है, ठीक है, और ये जो है उरुग्वे है, ये इसे टच नहीं करता है। आप देख रहे हैं बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ कितने देशों से बाउंड्री शेयर करता है, एक दो तीन, इन तीन देशों से बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, और पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका में एक लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक देश का मतलब यही होता है, जैसे हमने इसकी लोकेशन देख, तो हम इसकी लोकेशन देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बीच में है, यानी चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ, यानी कोस्टल लाइन इसके पास में नहीं है कहीं पे भी। तो इसका कोई भी व्यापार डायरेक्ट समुद्र से नहीं है, अगर कुछ भी होता होगा तो कोई नदी यहाँ से समुद्र तक जाती होगी, या फिर वो अपने इन देशों पे डिपेंड करता है, और डायरेक्ट व्यापार वो नहीं कर सकता कि अगर वो सोचे कि वो अटलांटिक ओशन में व्यापार कर लेगा तो पराग्वे ऐसा नहीं कर सकता है। वो पहले ब्राजील को भेजेगा या फिर अर्जेंटीना को भेजेगा या उरुग्वे को भेजेगा, तब वो व्यापार करेगा अटलांटिक ओशन में। तो इस तरह से ये एक लैंड लॉक कंट्री है, इसको चारों तरफ से भूभाग ने घेर रखा है, इसे लैंड लॉक देश बोलते हैं।
और ये बोलीविया, ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, और इसकी कैपिटल है असुनसियन, ठीक है। और पराग्वे के इतिहास को स्पेन द्वारा इसको औपनिवेशवाद बनाया गया था 1947 के आधिकारिक नियमों और एक गृह युद्ध की श्रृंखला के रूप में। और अल्फ्रेडो स्टासनर की तानाशाही 1954 से 1989 तक रही यहाँ पे, और उसके बाद 21वीं सदी में यहाँ के लोगों ने उनकी तानाशाही को दूर कर दिया। और पराग्वे का प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक गणराज्य की तरह करता है, और जिसमें बहुदलीय व्यवस्था है। मारियो अब्दो बेनिट्स पराग्वे के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और गुरुरानी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पराग्वे, फॉलोड बाय स्पेनिश। स्पेनिश से निकली हुई एक गुरुरानी यहाँ की मोस्ट बोली जाने वाली लोक मतलब भाषा है। एंड पराग्वे रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। द रिवर फ्लोज थ्रू बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड पराग्वे। तो पराग्वे रिवर ही उसका नाम है। और यहाँ पे ये दो क्वेश्चन दिए हैं जिनको आपको इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद सॉल्व करना है। और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। ये क्वेश्चन है और ये आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और अब हम आ गए हैं फन फैक्ट पे, जहां पे हमारा पहला पॉइंट है फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्विम करने वाली बर्ड कौन सी है? तो इस बर्ड का नाम दिया हुआ है यहाँ पे जेंटू पेंगुइन, जो कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकती है। और ये एंटार्क्टिक द्वीप पर पाई जाने वाली पेंगुइन की प्रजाति, जो कि भोजन की तलाश में एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर दूर जाती है। और ये गहरे गोते लगा सकती हैं और 5 मिनट से भी अधिक समय तक पानी के भीतर रह सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो जेंटू पेंगुइन्स है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। और उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है अ यूनिक टाउन। तो यूनिक टाइम टाउन आप खुद से पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर आप गूगल पे सर्च करके बताइएगा। और आज का द हिंदू वर्ड ऑफ द डे है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस माने होता है किसी भी चीज का पुनरुत्थान, यानी उसको पुनर्जीवन मिलना। और यहाँ रिसर्जेंस मीन एन इंक्रीज इन एक्टिविटी और इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट्स बीन फॉरगॉटन फॉर अ व्हाइल और समथिंग राइजिंग अगेन इनटू प्रोमिसेंस। यानी कि आपको किसी भी चीज को उसको फिर से शुरू करना। और एग्जाम्पल है यहाँ पे द IPL 2021 विटनेस द रिसर्जेंस ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। यहाँ पे एक छोटी सी नंबर गेम दी होती है हमेशा, इसको आप जरूर सॉल्व करिए। इसके बाद हम अर्थ वॉच क्विज पे आ जाते हैं। देखिए क्विज मैं आपको ऐसे नहीं सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर का मेन एम ही होता है आपको उसमें बिजी करने का, और मेरा भी एम यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देना भी है और साथ में आपको इस तरह से बिजी भी रखना है। आप घर में हैं, आप पूरी तरह से ऑनलाइन मटेरियल्स पे डिपेंडेंट हैं, तो ऐसे में आप जब न्यूज़पेपर की एक्टिविटी को खुद से करेंगे तो आपकी नॉलेज ज्यादा इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे अर्थ वॉच है एंड मैच द डिस्क्रिप्शंस विद द राइट वर्ड। तो जब आप इसको राइट वर्ड से मैच करने के लिए मिलाएंगे तो आप इनके मतलब खुद से गूगल में ढूंढेंगे तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। तो इसलिए इसको खुद से करिए। और मैं बाकी जो मेरा ब्लॉग है www.studyforthebetterfuture.online, वहां पे इनको पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करूंगी हिंदी में। और हम आगे अब अपने अगले पेज पे, जहां पे ये हमारी पहली न्यूज दी है व्हाट स्पोर्ट आर दे प्लेइंग इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में ये बॉयज कौन सा गेम खेल रहे हैं। एंड सेकेंड है 2 मिनट वर्ड सर्च एंड दिस इज सर्च इज ऑन स्नेक्स, स्पॉट 6 वर्ड रिलेटिंग टू देम। तो आपको स्नेक से जुड़े हुए 6 वर्ड को ढूंढना है इस ग्रिड में, वो आराम से मिल जाएंगे, जैसे वेनम, ठीक है, या उसके जो पॉइजन है स्नेक का उसको क्या कहते हैं। आप स्नेक की स्पीशीज को ढूंढ सकते हैं, कई तरह से होती है। तो आप चलिए इसको सॉल्व करिए।
और अब हम आ गए हैं अपनी 3 मिनट फन रीड पे। तो ये जो 3 मिनट की फन रीड दी होती है, ये बड़े ही शॉर्ट में कोई ना कोई बहुत ही इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन दी होती है। और जैसा यहाँ पे हम एक चित्र में देख रहे हैं, तो ये किसी लोक परंपरा से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो ये एक यूनिक म्यूजिकल ट्रेडिशन से रिलेटेड है इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दुनिया भर में हर क्षेत्र की अपनी अनूठी संगीत परंपरा है और भारत अलग नहीं है, क्योंकि भारत अपने समृद्ध लंबे और विविध इतिहास के कारण एक बहुत ज्यादा यहाँ पे संगीत विविधताएं हैं, जिसमें कई विशिष्ट क्षेत्र राज्यों के लिए वो जाने जाते हैं। और भारतीय शास्त्रीय संगीत को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। इन दोनों परंपराओं को रागम यानी इन्हें नोट्स भी कहते हैं, और तालम समय रखते हुए पर स्थापित किया गया है। शास्त्रीय संगीत भी नाट्यम और कथक जैसी शास्त्रीय नृत्य परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और भारतीय संगीत को केवल इन शास्त्रीय संगीत रूपों द्वारा परिभाषित नहीं किया गया। हर क्षेत्र की अपनी अनूठी संगीत परंपरा है, डांस परफॉर्म है, जैसे बहुत सारे रीजनल्स हैं, हमारे वहाँ भांगड़ा है और गुजरात में गरबा है, और उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो नौटंकी है, छाऊ है, बहुत सारे नृत्य इस तरह से हैं जो कि अलग अलग हिस्सों से निकल के आए हैं। और देश के विभिन्न हिस्सों की कई जनजातियों की भी अपनी अलग संगीत और नृत्य परंपराएं हैं, जिनमें कई तो ऐसे भी हैं जो अपने स्वयं के संगीत और वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे भी कुछ इनके ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र ही दिख रहे हैं। और एक्टिविटी कॉर्नर है जो कि आप यहाँ से पढ़िए और सॉल्व करिए। और आज अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट में जब हम इन अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे तो हमारी स्पेलिंग बनेगी ADVERTISE, यानी एडवर्टाइज। तो एडवर्टाइज का मतलब होता है किसी भी चीज का विज्ञापन देना। और यहाँ पे मीनिंग लिखी है, डिस्क्राइब और ड्रॉ अटेंशन टू इन पब्लिक मीडियम इन ऑर्डर टू प्रमोट स्टेट और अटेंडेंस। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने न्यूज़पेपर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है द हिंदू कॉम्प्रिहेंशन। और ये बड़ा ही इजी होता है, बच्चों को जरूर करना चाहिए, और ये वाकई में सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व होने वाली चीज भी है। और इसमें नीचे कॉम्प्रिहेंशन के नीचे 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, जो कि इन्हीं पैरा में बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपको वीडियो में करने में इसे कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके बच्चों को, तो आप मेरे ब्लॉग पे आइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, और आप आराम से उस लिंक पे क्लिक करके बहुत ही आसानी से वहां इत्मीनान से बैठ के करिए। और मैंने अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग को मोबाइल फ्रेंडली भी बना लिया है, तो मोबाइल में चलने में अब उसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मेरा ब्लॉग एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। और यहाँ NI4NI इस सेक्शन में किसी न किसी इनोवेशन के या साइंटिस्ट के आविष्कार के बारे में चर्चा होती है इस न्यूज़पेपर में। और आज यहाँ का टॉपिक है गिबन एंड हिज हर्ट लंग मशीन। ये गिबन है और इन्होंने एक हर्ट लंग की मशीन बनाई थी, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और इसमें ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है, बस इन्होंने क्या इनोवेशन किया था उसकी चर्चा की गई है यहाँ पे। क्योंकि ये एक लंग्स मशीन है, और इस समय COVID-19 पैंडेमिक चल रहा है, जो कि कोविड सबसे पहले हमारे लंग्स पे ही इफेक्ट करता है। और अगर आपको इसकी मैकेनिज्म नहीं पता है कि कोविड सिर्फ क्यों हमारे लंग्स पे ही इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी के और भी पार्ट है, हमारा दिमाग है, हमारे पेट है, हमारी आंतें हैं, हाँ सब कुछ है, वो और कहीं क्यों नहीं जाता है। तो आप, मैंने एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग में आर्टिकल लिखा था, जो आप मेरे ब्लॉग पे जाइए, मैं यहाँ आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी, और मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, ठीक है, पूरी कोविड की मैकेनिज्म है। तो इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ छपा है कि एक लंग्स मशीन अगर बॉडी से बाहर अवेलेबल हो जाए तो शायद कोई इंसान जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पे गिबन ने इसी तरह एक आविष्कार किया था, इसी के बारे में है ये पूरा आर्टिकल। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं ब्लॉग पे इसका पूरा लिंक दे दूंगी।
क्योंकि COVID-19 में सबसे पहले हमारे लंग्स ही खराब हो रहे हैं और बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, और बॉडी में कमी ऑक्सीजन के होने के साथ साथ हमारे हॉस्पिटलों में तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं बच रही है, और हम हमारे डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी सिर्फ लोगों को मरते हुए ही देख रहे हैं, हमारे पास कोई चारा गवर्नमेंट ने छोड़ा ही नहीं है। तो इसलिए ये आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और मैं आई बटन पे जो आर्टिकल दूंगी तो प्लीज आप उसको जाके रीड कर लीजिएगा, आपको पूरी मैकेनिज्म कोविड की समझ में आ जाएगी, और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। और जब आप ये समझ लेंगे कि वो किस तरह से हमारी बॉडी में इंटर करता है, कैसे वो खुद को डेवलप करता है, तो आप उसको रोक सकते हैं बाहर ही। और सेकंड टॉपिक है यहाँ पे इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में टॉपिक है आज यहाँ पे द बैकअप प्लान, यानी बैकअप प्लान है। तो बैकअप प्लान किस चीज का है देखते हैं। इमेजिन अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज लेफ्ट विद नो फूड टू ईट बिकॉज ऑफ वॉर और नेचुरल डिजास्टर, यानी कि शायद पृथ्वी पे कोई ऐसा समय आ जाए जब कोई फूड ही ना बचे खाने के लिए, क्योंकि या तो वॉर हो सकती है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। दो वी मैनी होप सच एज एपोकलिप्स नेवर अकर्स, वी कैन नॉट टेक अ चांस, और कोई ऐसी आपदा, प्राकृतिक आपदा या किसी भी तरह की आपदा आ जाए तो हम किसी भी तरह का चांस नहीं ले सकते। एंड डूम्स डे वॉल, डूम्स डे माने होता है प्रलय का दिन, है ना, तो कोई चांस नहीं ले सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया है, लोकेटेड इन सेवलबार्ड नॉर्वे सीक्स टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स क्रॉप एंड सर्व एज ह्यूमैनिटी बैकअप। तो ये एक आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ इमारत टाइप की पूरे बर्फीली एरिया में, तो ये नॉर्वे में एक बनाया गया है सीड बैंक, जो कि पूरे विश्व के जगह जगह से क्रॉप सीड्स लेकर के एक बैंक बनाया गया है, जो कि ह्यूमैनिटी का बैकअप बैंक है। तो फिलहाल जब कोई डूम्स डे होगा तो ये सब काम नहीं करेगा, फिर भी बैकअप तो रखना पड़ता है। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि यू माइट हैव हर्ड ऑफ सीड बैंक, आपने बीज बैंकों के बारे में तो सुना ही होगा, जिससे नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी सुविधा है जहां पे बीज संग्रहित किए जाते हैं, रखे जाते हैं। इन्हें जीन बैंक भी कहा जाता है, और इनका एम ये है कि ये अनुवांशिक विविधता के संरक्षण को लेकर के करे जाते हैं। क्योंकि आपको एक चीज आपने अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे जेनेटिक सीड्स आ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, इसमें बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ था कि हम जेनेटिक सीड से उत्पन्न फूड नहीं खाएंगे। तो ये जेनेटिक सीड तो अभी किस नतीजे पे पहुंची है, साइंटिस्ट इंडिया में उसको अप्रूवल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये तो नहीं मालूम है, पर मुझे एक चीज ये मालूम है कि इस तरह के जो सीड हैं वो हमारे जो पुराने जो आदिकालीन से जो हमारे कृषक लोग सीड उगा मतलब फल फसल उगाते आ रहे हैं, जो हमारी बिल्कुल नॉर्मल टेक्निक्स हैं, जो क्रॉस ब्रीड कराते हैं और उनके पास देसी चने की दाल, देसी आटा, देसी गेहूं, आपने अपने मॉम डैड को बात करते हुए सुना होगा ना कि अरे अब तो खाने में वो स्वाद ही नहीं है जो हमारे जमाने में होता था, हमारी माता जी बनाती थी तो पूरे घर में धनिया की खुशबू फैल जाती थी, अब तो कुछ खुशबू ही नहीं आती है। तो ये वही चीज है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक चेंज सीड है। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे ओरिजिनल सीड है इनको रिप्लेस करते जा रहे हैं, इनको खत्म कर देते हैं। और एक चीज और बता दूं कि जब सेम स्पीशीज में क्रॉस ब्रीड कराई जाती है तो हमारी विविधता को सबसे ज्यादा खतरा होता है, वो खत्म होने की कगार पे आ जाती है ओरिजिनल चीज, यानी ओरिजिनल सीड आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि उस तरह के जेनेटिक्स डाइवर्सिटी को लेकर के सीड्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। और
इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की फसलें जैसे स्थानीय किस्म, जंगली पौधों को इकट्ठा करते हैं, संरक्षित करते हैं और इनका उद्देश्य दुनिया के हर पौधे के बीज को इकट्ठा करना है। लेकिन क्या आपने स्वालबोर्ड ग्लोब सीड वॉल्ट के बारे में सुना है, जो दुनिया के सभी बीज बैंकों के लिए बैकअप का काम करता है? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। तो ये जो ग्लोबल सीड वॉल्ट भी है, ये नॉर्वे के स्वालबोर्ड के सुदूर दीपिंग बर्फीले पहाड़ पे प्लांट बॉच के अंदर स्थापित किया गया है, जो भी मैंने आपको अभी चित्र में दिखाया था। और ये नॉर्वे के उत्तरी ध्रुव में स्थित है और एक ऐसी तिजोरी टाइप की कल्पना की गई है जो समय की कसौटी पे शायद खरी उतरे। और मतलब अगर कोई डूम्स डे आए, प्रलय का दिन आएगा, तो ये इमारत खत्म नहीं होगी। और इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था और 4.5 मिलियन किस्मों की फसलों को स्टोर करने की क्षमता है यहाँ पे। और जमा की गई प्रत्येक किस्म में लगभग 500 बीज होंगी, जिसमें 3 वॉल्ट हैं, जिसमें एक में से वर्तमान उपयोग में है। और बीज में ज्यादातर मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा टाइप की खाद्य फसलें शामिल हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आर नॉट स्टोर्ड एट द वॉल्ट। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड होते हैं गाइस, उसमें ओरिजिनलिटी खत्म हो चुकी होती है। हालांकि अब जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी भूख भरने के लिए, पेट भरने के लिए हमें जेनेटिकली मॉडिफाई ही करना पड़ता है, क्योंकि कभी फसलों को पूरा का पूरा कीड़े खा जाते हैं, कभी फसल में उत्पादन नहीं हुआ, कभी वो सूखे से मर गई। तो जब उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है तो उसमें उनके जेनेटिक्स को, यानी उनका जो डीएनए है, आरएनए है, सीड में भी हर चीज में डीएनए आरएनए होता है, उनके डीएनए को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि वो सूखे से लड़ने में कामयाब है। जैसा आपने सुना होगा कि जो हमारे भारत के जो सूखे वाले क्षेत्र हैं, जहां बारिश नहीं होती है, वहां पे ऐसे सीड बांटे जाएं जो सूखे से लड़ सकें। और जहां पे, यानी नॉर्थ ईस्ट में जहां पे हर साल बाढ़ आती है, वहां ऐसे बीज बांटे जाएं जो कि बहुत कम पानी में भी, मतलब बहुत ज्यादा पानी में भी, मतलब फसल बहुत दोगुनी तीन गुनी उत्पादन करें। कि अब ऐसा नहीं है कि पानी आ गया तो वो गल गई, तो इस तरह से उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। पर इसमें, यहाँ पे इस स्टोर में जेनेटिकली मॉडिफाई को नहीं लिया जा रहा है। और जेनेटिकली मॉडिफाई को इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि नॉर्वे गवर्नमेंट इसे प्रोहिबिट करती है, इसको मना करती है कि वो ऐसे सीड्स को नहीं रख सकती है अपने जीन बैंक में। तो इंडिया में जब बीटी ब्रिंजल का केस आया था, तो जो हमारे एनवायरमेंट के, जो एनवायरमेंट की तरफ से या फार्मर्स की तरफ से जो संगठन होते हैं, जो उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, उन्होंने यही कहा था कि जो चीज फॉरेन में बैन हो जाती है वो भारत क्यों आती है, अगर वो वहां के लिए नहीं सही है तो वो हमारे लिए किस तरह से सही होगी। तो ये सारे मुद्दे उठे थे, इसलिए ब्रिटी ब्रिंजल भी बैन है। और इनमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होते हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कंपनी के पास एक पेटेंट होता है कि मेरे पास पेटेंट है, अब आपको अपनी अगली फसल बोने के लिए मेरे पास वापस बीज खरीदने के लिए आना पड़ेगा। और वो बीज एक बार में बेकार हो जाते हैं। और जो हमारे किसान हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने एक बार मक्का बोया, तो जब उनकी फसल मक्के की हो गई तो उन्होंने अपनी उसी फसल से दोबारा फिर से मक्के के बीज बना लिए। तो वो कोई उसमें टेक्निकली मॉडिफाई नहीं करते हैं, पर वो इसी तरह विविधता होती जाती है, अपने आप क्रॉप्स खुद से विविधता मेंटेन कर लेती है, तो उसमें सारे गुण मेंटेन रहते हैं। और अभी तो हम लोग मोस्टली जो इतने बड़े बड़े टमाटर आ रहे हैं, या इतने लहसुन का साइज आप देख रहे होंगे कितना बड़ा हो गया, उसकी एक कली काफी बड़ी होती है, पर उसमें टेस्ट वो वाला नहीं होता है ना, वो खुशबू होती है। तो ये सारे वही वाले सीड हैं जो मॉडिफाइड सीड हैं, और इसीलिए हमें थोड़ा सस्ता मिल जाता है। पर आप कोई भी चीज देसी लेने जाएंगे तो वो आपको बहुत महंगी मिलेगी। और देसी के नाम पे आजकल चला दिया गया है डेवलपिंग कंट्रीज में कि ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक के नाम से वो तीन गुने चार गुने दाम पे बेचा जाता है, और हमारे फार्मर्स को उन्हीं के कोई भी रेट नहीं मिलते हैं। तो और फिर यहाँ पे दिया है हु मेंटेन इट, यानी इसको कौन मेंटेन रखेगा इस सीड बैंक को। तो 1980 के दशक में सीड वॉल्ट के विचार की कल्पना जो
फसल ट्रस्ट के पूर्व कार्यकारी निदेशक कैली फाउलर ने की थी और नॉर्वे सरकार द्वारा इन्हें 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से इनको मतलब ऐड दिया गया था, जिससे इन्होंने इसका निर्माण किया और इसकी देखरेख प्रशासन भी करता है और ये एक क्रॉप ट्रस्ट है और एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ टाइप है और नॉर्डिक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर संयुक्त रूप से रखरखाव और संचालन का ख्याल भी रखता है। एंड हाउ डज इट वर्क, ये किस तरह काम करेगा? तो सीड वॉल्ट बैंक में सुरक्षा जमा की तरह ही संचालित होता है, यानी कि सेविंग बैंक्स जैसे काम करते हैं और नॉर्वे ये फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के नियमों के अनुसार केवल एक जमा करने वाला देश या संस्था ही इस तक पहुंच सकता है। यानी ये नहीं कि हम भी अपनी फसल लेके चले गए जमा कर लो, एक देश ही जाएगा और जमाकर्ता अपनी सुविधा अनुसार नमूने वापस ले सकता है और जमाकर्ताओं को ये सुविधा फ्री में दी जाती है। तो अभी हमने काफी सीड्स के बारे में देख लिया और चलते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पे। और अब हम आगे हैं विकिपीडिया अ डेली सर्च, और आज हमारी यहाँ पे जो पहला टॉपिक है ये है चाणक्य। और चाणक्य के बारे में तो शायद किसी ने ना सुना हो, ये हो नहीं सकता। और ये भारत की राजनीति के पहले, इनको आप कह सकते हैं कि उद्भव इन्हीं से हुआ, इन्हीं की बुक से हुआ जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। चाणक्य एक प्राचीन भारतीय विद्वान थे और उन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र को लिखा, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम का है। और चाणक्य को भारतीय राजनीति में विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। आज भी जो पॉलिटिकल साइंस हैं या पब्लिक एड है, उनकी बहुत सारी थ्योरी में सबसे पहला चैप्टर चाणक्य के इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है। और बहुत सारा इनके जो नियम हैं कि किसी राज्य की राजनीति किस तरह शुरू होनी चाहिए, वो इंस्पिरेशन भी चाणक्य जी से ही ली जाती है, इनके ग्रंथ अर्थशास्त्र से। माना जाता है कि उनकी रचनाओं ने अर्थशास्त्रीय अर्थशास्त्र को प्रेरित किया और चाणक्य ने सत्ता में आने के पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की सहायता की थी और वे एक बुद्धिमान सलाहकार और राजनीतिक मामलों में चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन भी इन्होंने ही किया था। और द्विजेंद्र लाल रे द्वारा 1915 में चंद्रगुप्त नामक नाटक में काल्पनिक विवरण दिया गया है कि किस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिकंदर की महान सेना में शामिल होने में मदद की। तो हमारा लास्ट टॉपिक है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का मूर्ति है और इनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा डिटेल में बताने के चक्कर में थोड़ा लंबा हो गया है, बोर मत होइए। मैंने थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का सोचा और फिर नहीं दूंगी तो फिर अब इन्हें कहीं पे लिख के अलग से तो दे नहीं सकते हैं इसलिए। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनिया का एक राजा है और इसका जन्म 21 जुलाई 356 ईसा पूर्व पैला ग्रीस में हुआ था और इसने करीब 32 साल की छोटी उम्र में ही इसका निधन हो गया था। और फिर भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया जीत ली थी। और ये फिलिप टू के बेटा और अरस्तु का छात्र था और वो इतिहास के महानतम विजेताओं में से एक थे, लेकिन उनकी पूरी दुनिया जीतने की आलोचना भी की गई थी। और उसने विशाल फारसी साम्राज्य से सिंधु के तट तक अपना राज्य बढ़ाया था और अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त करी थी। एक समय था कि अलेक्जेंडर मतलब विजय ना प्राप्त कर ले, भारत के बहुत सारे राजा काफी तैयारियों के साथ हमेशा बैठे रहते थे। और लास्ट वर्ड है हमारा विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा बहुत फेमस है और ये विक्टोरियन एरा के टाइम की कुछ महिलाओं के चित्र दिए हुए हैं। जून 1837 से 22 जनवरी 1901 को उनकी मृत्यु तक के युग को विक्टोरियन एरा के नाम से जाना जाता है और यह जॉर्जियाई काल और एडवर्डियन काल के बीच का युग है। इस युग के दौरान दो मुख्य राजनीतिक दल विंग्स और लिबरल और रूढ़िवादी दल बने रहे। विक्टोरियन युग ने धर्म, सामाजिक मूल्य और कलाओं को महत्व दिया और इस अवधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नवाचार हुए। नवाचार यानी इनोवेशन हुए।
और यह युग अमीर और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनकर भी उभरा था। इस युग में कई लेखकों ने लेख लिखा है, जिनमें जेन ऑस्टेन और चार्ल्स डिकेंस भी शामिल हैं। तो हमारा लास्ट वर्ड है चार्ल्स डिकेंस। ये है चार्ल्स डिकेंस, और इनके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस विक्टोरिया युग के एक फेमस लेखक थे, और उन्होंने जाने माने काल्पनिक चरित्र जैसे डेविड कॉर्फील्डर, ऑलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकोलस और लिटिल डोरिटिक का निर्माण किया। और डिकेंस का जन्म 1812 में इंग्लैंड में ही हुआ था, और ये अपने लेखन के लिए बहुत ही फेमस हुए थे। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। गाइज, ये द हिंदू का समर सुपर सिक्स समर ऑफर है, तो आप इसको देख लीजिएगा इनकी वेबसाइट पे जाके। ये इन्होंने वेबसाइट अपनी मेंशन की है, देख लीजिएगा। और फेस टू फेस में ये पर्सन है, आप बताइए कि ये कौन है। आज मैं इसका आंसर नहीं दूंगी क्योंकि ये बड़े ही फेमस पर्सन है। एंड अ क्लू दिया है, ही इज द वन ऑफ द थ्री इंडियन अमेरिकन सीईओ टू ज्वाइन द ग्लोबल टास्क फोर्स टू हेल्प इंडिया कॉम्बैट कोविड-19। कॉम्बैट माने होता है लड़ना। देन हम आ गए अपने लास्ट पेज पे, जो कि है स्पोर्ट्स न्यूज। और गाइज, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देखना ना भूला करिए, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारे अमेजोन के बुक्स के, या जो भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मैं उनके लिंक्स भी दे देती हूँ। और मेरे ब्लॉग का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल को इसी तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मैं कल फिर आती हूँ नए न्यूज़पेपर के साथ। तब तक अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। टेक केयर, बाय।